नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के अमेठी से, जहां अमेठी जिले के बाजार शुक्ल के भटमाऊ में चल रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य में लगे मिलर मशीन से भटमाऊ गांव निवासी 55 वर्षीय बुजुर्ग की मिक्सर मशीन की टक्कर से मौके पर मौत हो गई। मृतक क्षेत्र में दूध लेकर बेचने के लिए जा रहा था। एक्सप्रेस वे कार्य में लगी मिक्सर मशीन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। घटना को देखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मी भी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, केमिकल गोदाम में आग लगा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गुस्साए ग्रामीणों ने केमिकल प्लांट में आग लगा दिया। साथ ही साथ मृतक के शव को रखकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य कर रही प्रोजेक्ट कंपनी के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक्सप्रेसवे के केमिकल प्लांट में आग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, तकरीबन साल भर पहले यूपी सीएम और कुछ माह पूर्व मुख्य सचिव ने इस स्थान का निरीक्षण किया था, जहां जिले के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के भटमाऊ गांव पर यह घटना हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। धरना की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार को आश्वासन दिया कि गायत्री प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से राहत धनराशि परिवारजनों को दिलवाई जाएगी, और साथ ही प्रशासन ने कहा कि जो भी सहायता मिल सकती है उसे दिया जाएगा। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पे आग तो लगी है, क्या मामला है, क्या घटना हुई यहाँ पे? देखिए, सुबह 8:15 के बीच की घटना है। यहाँ पे एक डंपर था, उससे गांव का एक व्यक्ति था और उससे उसकी पीछे टक्कर लगने से सुबह ही उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कुछ गांव वाले आए यहाँ पर और उनके द्वारा जो गायत्री प्रोजेक्ट, क्योंकि एक संस्था के द्वारा कार्य चलाया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, उसके जो साइट ऑफिस है और इसकी लैब है, इसमें आग लगा दी गई थी। ऐसे ही सूचना मिली, तत्काल वहाँ पे थाने की फोर्स पहुंची और हमारे सभी मजिस्ट्रेट और अन्य फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल पहुंची, उनके द्वारा आग बुझाई गई और तत्काल स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया। और सूचना मिलते ही मैं और कप्तान साहब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति पूरी रूप से कंट्रोल में है। और इसमें जो मृतक है, जो पीड़ित है, उसको मुआवजे की धनराशि की घोषणा कर दी गई है। साथ ही जो कंपनी है उसके द्वारा भी इसमें मुआवजे धनराशि की घोषणा कर दी गई है। आग पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है, तो स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण। सर, ये जो प्लांट लाइक इसमें जो आग लगी, कितने का नुकसान हुआ, किसने लगा, क्या कार्रवाई अभी तक? इसमें जो आग लगाई है वो सुबह की घटना है, तो बहुत सारे गांव वाले यहाँ पे आ गए थे, उनके द्वारा इकट्ठा होकर इस पे आग लगा दी गई। और इसमें इनकी जो लैब है और साथ में साइट ऑफिस है, उसमें ये फाइबर, क्योंकि फाइबर का मरा हुआ था, तत्काल उसने आग पकड़ ली और उसमें तुरंत ही इसमें उसका नुकसान हो गया।